दिव्यंका त्रिपाठी नजर आई मोहित मलिक के नए रेस्टोरेंट के इनॉग्रेशन के मौके पर। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मोहब्बती के रिटेलीकास्ट पर और दूसरे सब्जेक्ट पर भी काफी सारी बातचीत की। बस 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 इधर ही बस आने दो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि ये मोहब्बत दोबारा से स्क्रीन पर नजर आने वाला है, एक्चुअली आ रहा है ऑलरेडी। खुशी की बात ज़्यादा ये है कि हमारे जो वो फॉलोअर्स एंड फैंस जो मोहब्बत को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो तब से गुजारिश कर रहे थे कि ऐसा दूसरा शो आ जाए, बट इससे बेहतर क्या है कि वो वही शो दोबारा देख रहे हैं ऑलरेडी। एंड ये कहीं ना कहीं हमारे शो की पॉपुलैरिटी के बारे में बताता है, दैट पीपल हैव रियली लव्ड ये है मोहब्बतें। और उस समय जब मैं काम कर रही होती थी इस शो में, तब मुझे मालूम नहीं होता था कि लोगों को क्यों इतना पसंद है। अब जब मैं खुद के विजुअल्स देखती हूँ, दे वर गुड। इशिता और रमन की जो केमिस्ट्री थी, अब मुझे भी वो छोटी छोटी नोकझोंक देखने में मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी बहुत लोग फैमिली सब पसंद करते हैं। और आपको इस बार भी सब मतलब नए अवतार में देखना चाहते हैं, तो अभी हम कभी आपको देखेंगे वापस। टू बिगिन विथ, आपने जो कहा कि बाहर भी लोग इसे पसंद करते हैं, जब मैं केप टाउन गई थी खतरों के खिलाड़ी के लिए, तो वहाँ की एक नेटिव वुमन मेरे पास आई, कहती आई नो यू। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं 2 साल पहले भी आई थी, इसी होटल में स्टे कर रही थी। एंड शी इज लाइक नो यू आर विद्या, ओह माय गॉड, नो सॉरी इशिता, विद्या वाली दूसरी थी। सो मेरे मोहब्बतें, मेरा बनू मैं तेरी दुल्हन, ये दोनों शो साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा चले हैं, एंड पीपल हैव ऑलवेज लव्ड माय शो, सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट इट्स कमिंग बैक ऑन स्क्रीन। इसके अलावा और क्या कुछ नया लेकर आने वाले हैं? एक वेब सीरीज मैंने की थी जिसके बारे में मैं बात भी नहीं कर सकती, जो कि अभी आने में थोड़ी देर है। उसके अतिरिक्त आई एम वेटिंग फॉर मोर शोज, अच्छी अच्छी कोई वेब सीरीज आए मेरे पास, आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट, खूब सारे हमारे सामने ऑफर्स आते हैं, बट अभी मुझे कुछ ऐसे का इंतज़ार है जो कि थोड़ा चैलेंजिंग हो, हट करो, सो लेट्स सी।